जब से ही शो में एंट्री हुई है अमर जी की बहन की, तब से ही अलग हंगामा मचा हुआ है। लेकिन आज वो थाने में आई थी तो वहाँ पर हर एक का रिएक्शन अलग दिखा। क्या हुआ जब SHO अमर जी की जो बहन है उनकी एंट्री हुई थाने में? तो बात ये हुई है कि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अमर जी की बहुत फटती है जब उनकी बहन आती है, क्योंकि उन्हें बिग बी बोलते हैं। तो बात ये थी कि अमर सर ने सबको रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ अगर मेरी बहन आए, तो लास्ट टाइम जब वो आई थी तभी अमर सर का बहुत इंसल्ट हुआ था, तो इस बार सबसे रिक्वेस्ट की है कि मेरी बहन आ रही है तो थोड़ी इज्जत बनाए रखना, थोड़ी मेरी तारीफ़ करना। लेकिन यहाँ पर तो किसी को थोड़ा तो आता ही नहीं है, सबको ओवर द टॉप आता है। तो सब ने इतनी ओवर एक्टिंग कर दी है कि अमर और दीवान दोनों डर चुके हैं कि भैया अपना पोल ना खुल जाए, तो ये चल रहा है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि चाय वाले के यहाँ पर भी काफ़ी नोकझोंक चल रही है। मैं सबसे ज़्यादा मेस्मराइज हूँ उस चीज़ को लेकर कि किस बात की, किस पोल की, खोल की आप लोग बात कर रहे हैं? तो ये पोल, इस पोल की बात की जा रही है कि जैसे अमर जी ने अपने घर वालों को कहा था कि मैं इस थाना का SHO हूँ और कोई भी नहीं है, मैं ही यहीं का हेड हूँ, मेरे अंडर में सब लोग काम करते, तो वो सारा झूठ है, वो सच नहीं है। तो बस उसी पोल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं अमर सर मिलके कि किसी तरह कोई भी उसकी बहन को ना बोल दे कि वो सिर्फ यहाँ के SHO नहीं है, और भी लोग हैं। जैसे आप जानते हैं हसीना मैडम भी है SHO, तो पता ना लग जाए कि सिर्फ अमर सर नहीं है। तो बस वो पोल की बात हो रही है और सब कह रहे हैं कि भाई मदद करो, जैसे इकबाल मदद कर रहा है, और वो चाय वाली जो मैडम है वो बोल ना दे कि हसीना मैडम भी है यहाँ पर, तो ये होता है। लास्टली ये जानना चाहेंगे, आप लास्ट में जब जाते जाते एक एनवलॉप लेकर गए, क्या है वो एनवलॉप में? वो एक कनेक्टिंग कहानी है बेसिकली। वो एक एनवलॉप में मेडल है उसकी दीदी का, जिसके लिए वो आई है लेने के लिए, तो वो चोरी हो गया था जो उनको नहीं पता, तो वो मुझे मिल जाता है और वो मेडल बेसिकली नकली होता है। वो आगे जाके पता चलेगा कि स्टोरी उससे लिंक होगी, मतलब ऐसा कोई देयर इज नथिंग इम्पोर्टेंट, बस एक लिंक किया गया है उसको बस। फोटो तुझे क्या लगता है तू ये केस कैसे सॉल्व करेगा? कोई स्ट्रेटजी, कोई तरीका कुछ सोचा है तुमने? और मैंने कुछ सुना है कि उस लड़की का हस्बैंड और वो उसका लवर पब्लिक प्लेस में मारपीट कर रहे थे, सीरियसली? हाँ दीदी मैं बताता हूँ, लेकिन आप वहाँ कहाँ जा रही हो? चाय पीने और कहाँ? अरे तो आप यहाँ कहाँ चाय पीएंगे, मेरे साथ चली ना, बगल में बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, सीधा हाथ दिखा तो रास्ता बिरयानी के अलावा, बगल में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, क्वालिटी चाय का। हाँ हाँ बहुत अच्छी चाय है वहाँ की, बहुत अच्छी। रेस्टोरेंट की चाय की कोई चाय होती है? चाय पीने का मजा तो ऐसी जगह पर है। मुझे याद है कैसे बचपन में हमारे पुराने वाले घर के सामने यानी कोने पे एक नुक्कड़ हुआ करता था, हम लोग वहाँ की चाय पीते, तू मैं और छोटी, मतलब उसकी दुकान पर जाकर तू मैं और छोटी घंटों बैठकर गप्पे मारा करते, और उसकी वो गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली चाय मलाई मार के, मलाई मार के, और उसकी दुकान का वो फेवरेट मेरा बादाम वाला बिस्किट 50 पैसे में 3 आते थे। याद है? अरे वो कैसे भूल सकता हूँ दीदी, वो तो अपने बचपन की जन्नत थी। इसीलिए चाय तो हमें आज नहीं पी जाए, राइट? कैसे भूल सकता हूँ दीदी, वही तो अपने बचपन की जन्नत थी। और इतने टाइम बाद भाई बहन एक साथ है, तो मैंने सोचा क्यों ना बचपन की वो यादें ताजा की जाए, तो इसीलिए चाय तो आज नहीं पी जाए, राइट? नमस्ते कुछ करना।
थोड़ा कॉम्पैक्ट जी बात है फिर वो चाय वाय हिलाई दे दे स्पेशल मैडम से मेरी चाय में मीठा कम रखना चोर 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 ये चोर 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 ये भाभी जी आपके दुकान से कोई चोरी करके जा रहा है आप खड़ी यहाँ पे जाइए 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 व्हाट इज दिस छोटू मतलब हदी होगी तो छोटू का छोटू ही रहेगा ना सारी जिंदगी ये चोर के पीछे अपना आम जनता का काम है या पुलिस का तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है तुझे उसके पीछे जाना चाहिए ना तेरी गलती नहीं है एक्चुअली तुम्हारा ये जो सैंपल जैसे जूनियर्स है ना सब इनका कसूर है अरे मैं बोलने वाला था लेकिन मेरे बोलने से पहले आपने बोल दी तो मैं क्या बोलूं तो आप बोल जाइए ना जवान जी पकड़िए उसे जा रहा हूं जाइए अरे दीवान जी खड़े क्यों हैं चाहिए ना यस सर पकड़ लेंगे दीवान जी